हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, विवेकानंद नाडा की लर्निंग ऐप में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपन सदिश से बीजगणित की बात कर रहे थे। सदिश बीजगणित में अपन ने 10.3 तक कंप्लीट पढ़ लिया था। इनमें जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट में बता देना, आपको दोबारा बता दी जाएगी। और अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपन सदिशों के गुणनफल में। अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल दो प्रकार के मैंने आपको गुणन करना बताया था, उसमें एक अदिश गुणा अपन ने पढ़ लिया था। अब बात करेंगे अपन सदिश गुणा की। तो सदिशों का गुणनफल पहला था अपने पास अदिश गुणा। ये मैं आपको रिवाइज कर देता हूं एक बार। अदिश गुणा को डॉट प्रोडक्ट से पढ़ा जाता है। किससे पढ़ा जाएगा? डॉट प्रोडक्ट से पढ़ा जाएगा। और अदिश गुणा का फॉर्मूला लिखाया था मैंने, कॉस थीटा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक, ठीक है। और डॉट में अपन ने पढ़ा था कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, हमेशा कितना होता है ए। और इनको जब रिपीट करवाया जाए आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई, हमेशा क्या होता है अपने पास जीरो, क्योंकि आई डॉट जे दोनों के बीच में कौन कितना हो गया 90 डिग्री, और कोस 90 का मान जीरो हो गया। ए डॉट बी इक्वल टू कितना प्राप्त हो जाएगा अपने पास जीरो, और आई डॉट आई यानी दोनों के मध्य कौन कितना है इस तरह से ही बनाएंगे। ये आई हो गया मेरे पास, ये कितना हो गया जे और ये के, आई और आई के मध्य कोण कितना हो गया थीटा इक्वल टू जीरो डिग्री, देन कोण जीरो का मान कितना हो जाएगा एक, तो ए डॉट बी यानी कितना आ जाएगा मेरे पास एक। अब बात आती है अपने पास सदिश गुणा। सदिश गुणा ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। दक्षिणावर्त का नियम होता है, दक्षिणावर्त नियम। देखो इसमें अपने दाएं हाथ की इस तरह से रखेंगे, पहले मैं चित्र बना देता हूं। ये तो अपने पास क्या हो गया वाई एक्स जेड एक्स, ये क्या हो गया एक्स, ठीक है। दाएं हाथ को इस तरह से रखा जाएगा कि इसमें जो अंगुलियां है वो अक्ष अक्ष की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अंगूठा किसको? जेड अक्ष को। और ये कुंतला कितना हो जाएगा? वाई अक्ष को प्रदर्शित करता है। तो इसमें इसको वाई अक्ष को ए वेक्टर माना अपने पास, ये क्या है बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के तल के लंबवत एकांश सदिश को किससे दर्शाएंगे? एन के से। और एन के का वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास एक, क्योंकि लंबवत इकाई सदिश है उसका मान कितना होता है एक। ध्यान रखने वाली बात यह है कि अपने पास जब दो सदिश दे रखे हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, जब अपने पास दो शून्य तक सदिश है, ये शून्य तक सदिश का मान है, यानी मतलब क्या होता है कि ये ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों शून्य सदिश नहीं है। तो माना ए वेक्टर व बी वेक्टर दो शून्यतर सदिश जिसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अदिश गुणा किसे दर्शाएंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से प्रदर्शित किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अदिश गुणा किससे दर्शाएंगे? डॉट प्रोडक्ट से। और सदिश गुणा किससे दर्शाओगे? क्रॉस प्रोडक्ट से। जब अपन दो सदिशों का अदिश गुणा करते हैं तो एक अदिश राशि प्राप्त होती है, और जब दो सदिशों का सदिश गुणा किया जाएगा तो एक सदिश राशि प्राप्त होगी। और किस तरह से प्राप्त होती है मैं आपको समझा देता हूँ। ये जैसे अपने पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर इक्वल टू मान लिया अपन ने आई प्लस टू जे प्लस थ्री, ठीक है, एग्जांपल से समझ लेते हैं अपन। और बी वेक्टर अपन ने मान लिया कि आई प्लस जे प्लस
के, ये आप ये उतार लेना अच्छी तरह से, ठीक है। दो सदिश मान लिए, उन दो सदिशों का क्या करते हैं अपन, सदिश गुणनफल ज्ञात करते हैं। क्रॉस कैसे ज्ञात किया जाता है, इस तरह से आपको दो सदिश देगा और बाद में पूछेगा कि इसका सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए। तो किस तरह से किया जाता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। यानी कि अपन ऊपर तो लिख देंगे आई जे और के, प्रत्येक कंडीशन में ये बनाना है आपको। ऊपर पहली पंक्ति में आपको लिखना है आई जे और के। अब दूसरी बात आती है दूसरी पंक्ति की, इसको ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। पहली पंक्ति में तो आपको हमेशा आई जे और के डालना है, और दूसरी स्थिति में देखो क्या करेंगे, ए वेक्टर का मान रखेंगे, ए वेक्टर के आई के गुणा में कितना, ऐसे कैसे मन रख लेना कि आप आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, ऐसे कैसे रख रहे हो, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, ऐसे आपको नहीं रखना है। आई जे के अपने ले लिया है ऊपर, और अब आई जे के गुणांक लिखेंगे, क्या लिखा जाएगा, आई जे और के का गुणांक लिखा जाएगा। ए वेक्टर में आई का गुणांक कितना है, एक, जे वेक्टर में आई जे का गुणांक कितना है, ए वेक्टर में दो, और ए वेक्टर में के का गुणांक कितना है, तीन लिखा जाएगा। अब तीसरी पंक्ति की बात करते हैं, इसी तरह से बी वेक्टर में आई जे और के गुणांक लिखे जाएंगे, तो एक एक एक, ये अपने पास ये सारणी के बन गई। अब इसको सॉल्यूशन करने का बिल्कुल आसान तरीका है, वो अपन अपनाते हैं। तो देखो पहला तो आई लिखा आपको ऐसे कैसे आपको उतार लेना, ठीक है, आई लिख लिया और एक छोटी सारणी बनाएंगे अपन। आई में यानी कि अपने पास ये अपने पास कोई सारणी है, जैसे कि ये अपने पास आरडी लाइनें हैं, यानी कि उसको रो बोलते हैं, आर वन आर टू आर, ठीक है। आगे चौथी पर्सनालिटी मैट्रिक्स के बाद में टॉपिक आता है सारणी का, वो सारणी में आप पढ़ा दूंगा मैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, लेकिन इन क्वेश्चनों को किस तरह से हल किया जाएगा वो यही हो जाएगा आपके पास। यानी कि आप जानते हो अच्छी तरह से ये आर वन होता है, आर टू होता है, आर थ्री, यानी पंक्ति पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी, ऐसे समझ लो। और इसको क्या कहेंगे, ऐसे खड़ी लाइन है, स्तंभ, स्तंभ ले लो आप, स्तंभ क्या कहा जाएगा, स्तंभ, और ये क्या होगी अपने पास पंक्ति, क्या कहोगे इसको पंक्ति, और ये क्या हो गया स्तंभ। तो अपन जब आई को इसके गुणा में लिखा, तो ये पहला वाला स्तंभ उसको छोड़ दो, और ये पहली वाली क्या है पंक्ति है उसको छोड़ दो, जो बाकी बचता है ना वो ऐसे कैसे लिख लो, टू थ्री वन वन, ओके बात समझ में आ गई भाई। जो अलग ले रहे हैं अपन, जैसे आई लिया अपन ने इसका स्तंभ छोड़ दिया और ये पंक्ति छोड़ दी, बाकी जो बच गए उसको उपसारणी बोला जाता है वैसे तो, लेकिन जो जो अलग ले रहे हैं उसकी उपसारणी निकालना चाह रहे हैं, तो उसकी पंक्ति छोड़ दो और स्तंभ छोड़ दो, बाकी जो उपसारणी बचती है। दूसरा आता है अपने पास माइनस, फिर लगाएंगे प्रत्येक कंडीशन में क्या, माइनस और फिर जे, और देखो अब ये जे जे वाला क्यों ले रहे हो, तो इसकी ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, बाकी जो बचता है, यानी कि अपन ने ये छोड़ दिया और अपन ने ये छोड़ दिया, बाकी क्या बच रहा है, वन वन थ्री वन, ऐसे कैसे एड कर देंगे, बात समझ में आ गई सबको, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब अपने पास के का लेना, फिर क्या लेंगे प्लस के ले लिया, अब के में क्या करेंगे, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे, बाकी बचता है वो लिख देंगे वन टू वन वन, ओके क्लियर हो गया सबको। अब देखो किस तरह से लिया जाता है, आई लिख लेंगे ऐसे कैसे, फिर पहला आ गया लास्ट वाले आ गए उसे गुणा करवाएंगे, तो कितना हो गया दो गुणा एक, फिर माइनस चिन्ह लगाएंगे, दूसरा आ गया तीसरे वाले आ गए उसे गुणा करेंगे तीन गुणा एक, फिर माइनस दे इसी तरह से एक गुणा एक माइनस तीन गुणा एक प्लस के एक गुणा एक माइनस दो गुणा एक, बात समझ में आ गई ना, इन दोनों को गुणा करके इसमें से घटाना है, ठीक है। तो कितना हो गया ये आई, तो दो में से तीन गया तो कितना बच गया, दो माइनस तीन हो गया ये, और माइनस जे एक माइनस तीन प्लस के एक माइनस दो, तो कितना हो गया माइनस का आई
रात के हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जितना हो गया माइनस आई प्लस टू जे माइनस के। एक बार दोबारा समझ लेते हैं अपन इसको, अपने को दो सदिशों का सदिश गुणनफल जब निकालना है तो क्या करेंगे, ए वेक्टर और बी वेक्टर पर्सन में दिया होगा, फिर क्या करते हैं अपन सारणी बनाते हैं 3×3 कोटि की आई जे और के। पहले पंक्ति में क्या डालना आपको, आई जे और के। अब पहले दूसरी पंक्ति में आप ए वेक्टर के आई जे के गुणांक लिखेंगे और तीसरी पंक्ति में बी वेक्टर के आई जे के गुणांक अपन लिखते हैं। और फिर आई को उतार दिया, इसका स्तंभ छोड़ दिया, पंक्ति छोड़ दिया, जो बाकी अभी वो बचता है वो ऐसे कैसे लिख देंगे। फिर माइनस का जे लगाएंगे, माइनस लगाते हैं क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है, इस तरह से चलता है सारणी के चिन्ह, वो आगे पढ़ने वाली बात है, आगे बढ़ेंगे। अब अपन ने इस तरह से सारणी सबके लिखने के बाद में अपन क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करवाते हैं, फिर माइनस इन दोनों को गुणा करके घटा देते हैं, इसी तरह से दो और हल कर लेंगे और ये दो बाकी आंकड़ा बचता है वो अपने पास प्राप्त हो गया। मैंने कहा था कि जो जब दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं तो एक अधिश राशि प्राप्त होती है। इसमें देखो दो सदिशों का सदिश गुणनफल करवाया अपने, क्रॉस करवाया तो आई जे के आगे, तो आप क्या कहोगे कि यह एक सदिश राशि प्राप्त हो गई अपने पास। अब देखते हैं अपन आगे क्या ले रखा है। जब अपने पास त्रिभुज की दो भुजाएं दे दे, संलग्न दो भुजाएं दे दे, तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, नोट लगा के लिख लेना आप। जब त्रिभुज की दो आसन भुजाएं, बोल दो आसन भुजाएं ए वेक्टर व बी वेक्टर दी गई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक, 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक निकालना जरूरी है क्योंकि क्षेत्रफल इकाई के रूप में दर्शाएंगे। और आपको कोई चतुर्भुज दे दे उसका क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज बोल सकते हो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमेशा ध्यान रख लेना क्योंकि जब अपन ने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला ये निकाल दिया, ठीक है, ये हो गया अपने पास ए वेक्टर बी वेक्टर। और दूसरा त्रिभुज और बना दो मैं, इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और ये समांतर चतुर्भुज है, क्या है समांतर चतुर्भुज है, तो अपने ये ए वेक्टर माना, ये बी वेक्टर, तो सामने वाली भुजाएं ए वेक्टर ये बी वेक्टर, इसका क्षेत्रफल भी 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के पास प्राप्त हो जाएगा। तो प्लस 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इसमें अपन ने एड कर दिया, तो आधा आधा कितना हो गया अपने पास, एक हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल मापांक। बात समझ में आ गई, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है 1/2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल मापांक। ये उत्तर आप अच्छे से नोट कर लेना और अपन पढ़ते हैं प्रश्नावली की ओर, ठीक है। प्रश्नावली के क्वेश्चन करना है, ये क्रॉस निकालना है अगर त्रिभुज की दो भुजाएं तो क्षेत्रफल निकालना है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, इस तरह के क्वेश्चन अपन हल करते हैं। देखो एग्जाम्पल अपने पास 22 का है कि ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3 के, ए वेक्टर इक्वल टू एग्जाम्पल 22, ए वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3 के, 2i प्लस j प्लस 3 के। और बी वेक्टर अपने पास दिया गया है, क्वेश्चनों को अच्छे से देख लेना भाई, 3i प्लस 5j और माइनस टू के। और क्वेश्चन में पूछा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक निकालो, इसका क्या निकालना हमें,
को मापांक निकालना, क्रॉस निकालना है उसका क्या निकालेंगे अपन, मापांक ज्ञात कर देंगे। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या कहा था मैंने ऊपर तो आई जे और के डाल दो, और इसमें क्या करेंगे ए वेक्टर के आई जे के गुणांक दो एक तीन, तीन पांच माइनस दो। बात समझ आ गई सबको? तो देखो सबसे पहले आई लेंगे और इसकी उपसा लिखेंगे यानी स्तंभ छोड़ देंगे, पंक्ति छोड़ देंगे, तो एक तीन पांच माइनस दो, एक तीन पांच माइनस दो, और फिर माइनस का दे देंगे, ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, दो तीन तीन माइनस दो, दो तीन तीन माइनस दो, फिर कह लेंगे ये स्तंभ छोड़ दिया, ये पंक्ति छोड़ दी, दो एक तीन पांच, दो एक तीन पांच, ये अपने पास प्राप्त हो गया। अब गुणा करके घटा देंगे आई माइनस दो इंटू एक माइनस तीन गुणा पांच, ठीक है, इस दोनों को गुणा कर दे, फिर माइनस इसको घटा दिया गुणा करके जे, तो ये कितना हो जाएगा अपने पास टू इंटू माइनस टू माइनस थ्री इंटू थ्री, और प्लस के टू इंटू फाइव माइनस थ्री इंटू वन, क्लियर, माइनस आई ये कितना हो गया है माइनस का दो माइनस का फिफ्टीन, माइनस जे माइनस चार माइनस नौ, प्लस के टेन माइनस थ्री, तो कितना प्राप्त हुआ ये माइनस का सेवनटीन आई, और ये माइनस कितना हो गया थर्टीन, माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस थर्टीन जे और प्लस सेवन के, ये अपने पास प्राप्त सदी से प्राप्त हो गया। अब इसका क्या निकालेंगे अपन, मापांक निकालते हैं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान प्राप्त हो गया। अब मापांक कैसे निकाला जाता है आपको अच्छी तरह से आता है कि आई के गुणांक का स्क्वायर माइनस सत्रह का स्क्वायर और प्लस तेरह का स्क्वायर और प्लस सात का स्क्वायर, तो कितना हो गया अंडर रूट दो सौ नवासी प्लस तेरह का वर्ग करेंगे तो कितना हो गया एक सौ उनहत्तर और प्लस उनचास, तो कितना हो गया अंडर रूट पांच सौ सात, टोटल प्राप्त हो गया, क्लियर हो गया सबको। इस तरह से अपन मापांक निकाल लेंगे एक रोज डी का, अच्छा समझ में आया, नोट कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट एग्जांपल है सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, मात्रक सदिश पूछा है, मात्रक सदिश क्या होता है बता दिया मैंने आपको, कोई भी सदिश दे रखा उसका मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं, सदिश ऐसा कैसे रख देते हैं उसमें उसी के मापांक का भाग दे दिया जाता है, तो वो क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास मात्रक सदिश प्राप्त होगा, उसको ज्ञात करते हैं। चलो एग्जाम्पल 22 देखो क्या दे रखा है अपने पास, ए वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, और बी वेक्टर है अपने पास है आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, लंबवत मात्रक सदिश याद करना है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर व ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर दोनों को ऐड करते हैं पहले, तो जोड़ेंगे तो आई प्लस जे प्लस के प्लस आई प्लस टू जे प्लस थ्री के, ऐड करो इसको कितना हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू टू आई प्लस थ्री जे प्लस फोर के, ये तो अपने पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। अब निकालते हैं अपन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसमें से इसको घटाएंगे तो आई में से आई घटाया कितना प्राप्त हो गया अपने पास शून्य प्राप्त हो गया, तो ये तो कितना हो गया शून्य आई, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस का जे, इसमें से इसको घटाएंगे माइनस का टू के, ये अपने पास क्या हो गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ठीक है।
ठीक है। अब इसका क्रॉस निकालते हैं, माना सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको मैंने सी वेक्टर मान लिया, ए सदिश मान लिया, कोई पूरा नहीं देख सकता था। तो अपने पास देखो ऊपर तो क्या डालना है, आई जे और के, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। और ये अपने पास कितना है, ए प्लस बी का टू थ्री फोर, और ये कितना है जीरो माइनस वन माइनस टू। अब इसका सी वेक्टर से दर्शा सकता हूं, मैंने मान लिया इसको सी वेक्टर। तो देखो आई लिखा मैंने, इसके उपसारणिक स्तंभ और पंक्ति छोड़ेंगे तो कितना हो गया थ्री, कितना प्राप्त हो गया थ्री माइनस वन फोर माइनस टू। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है क्रॉस का, माइनस का जे टू जीरो फोर माइनस टू, प्लस का के ये अपने पास गया तो क्या बचा टू थ्री जीरो माइनस वन, टू थ्री जीरो माइनस वन। ओके तो सी वेक्टर इक्वल टू आई, ये कितना हो गया माइनस का छह, फिर माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का भाई माइनस चार, फिर घटाएंगे माइनस चार तो प्लस का चार माइनस जे, ये कितना हो गया माइनस का चार, और ये से कोई मतलब नहीं है जीरो से गुणा भी जीरो हो गया, और ये कितना हो गया के माइनस का दो, और ये बाकी वाला भी जीरो हो गया। तो सी वेक्टर इक्वल टू माइनस का टू आई और माइनस का फोर जे और माइनस का टू के अपने पास प्राप्त हो गया। इसका क्या निकालना है, देखो मात्रक सदिश निकालना है, तो मात्रक सदिश देखो, मात्रक सदिश तो सी कैप, सी कैप इक्वल टू सी वेक्टर अपॉन सी वेक्टर का मापा, सी वेक्टर अपने पास कितना है माइनस का टू आई माइनस का फोर जे माइनस का टू के, मापांक का भाग देंगे अंडर रूट माइनस दो का स्क्वायर प्लस माइनस चार का स्क्वायर प्लस माइनस दो का स्क्वायर, तो माइनस का टू आई माइनस का फोर जे माइनस का टू के अपॉन ये कितना हो गया अंडर रूट चार प्लस सोलह प्लस चार, तो कितना हो गया माइनस का टू आई माइनस का फोर जे माइनस का टू के अपॉन अंडर रूट ट्वेंटी फोर। ओके क्लियर सबको, ये अपने पास सी के यानी मात्रक सदिश से प्राप्त हो, बात समझ में आ गई सबको। अब अपने पास नेक्स्ट एग्जांपल आता है, एक त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है उसके तीन बिंदु अपने पास दे रखे हैं, तो तीन बिंदुओं से उसकी दो संलग्न भुजाएं अपन ज्ञात कर लेंगे और उसके उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र मैंने आपको लिखा दिया। तो आप क्वेश्चन देखते हैं, देखो त्रिभुज के अपने पास शीर्ष दे रहे, त्रिभुज बना लेता हूं मैं, एग्जाम्पल कौन सा है ये 24, ये अपने पास एक त्रिभुज, इसको नाम दिया ए बी और सी। त्रिभुज के शीर्ष माना त्रिभुज के शीर्ष एओ, त्रिभुज का शीर्ष एओ कितना दे रखा है अपने पास वन 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 वन, बी कितना है वन टू थ्री, वह सी कितना दिया हुआ है थ्री टू थ्री वन, वह सी अपने पास टू थ्री वन। ओके अब अपने पास जब अपने को ये ए बी वेक्टर मिल जाए और ये अपने पास ए सी वेक्टर मिल जाए, इसकी दिशा इस तरह से बना लेता है, ऐसा लगन हो जाए क्या होगी ए बी और ए सी, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है एक बटा दो मापांक ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसको माना करने ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, बात समझ में आ गई सबको, ए
भी निकालना है और एसी निकालना है। जब आपको दो बिंदु दे रखे हैं तो उस रेखा का सदिश कैसे निकाला जाता है, अंतिम बिंदु में से अपने प्रारंभिक बिंदु बना देंगे तो सदिश प्राप्त हो जाएगा। तो एपी वे इक्वल टू एपी वेक्टर, यानी कि बी में से अपने को ए को बैठाना है, तो बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, तो घटाओ इसको इसमें से, तो आई इस पावर है तो जीरो आई, और ये कितना हो गया प्लस का जे और प्लस का टू के। अब निकालते हैं अपन ए सी वेक्टर, सी वेक्टर में से ए वेक्टर घटाते हैं, सी वेक्टर में से ए वेक्टर घटाया जाएगा, तो आई प्लस टू जे और प्लस जीरो के। अब दोनों का क्या निकालते हैं, क्रॉस निकालते हैं, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र ही लगा देते हैं अपन, ये होता है अपने पास। तो इसमें सबसे पहले अपने को क्या चाहिए, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर, तो इसमें क्या किया जाएगा आई जे और के को ऐसे कैसे अपन लिख लेते हैं। इसके बाद में देखो इसका गुणांक जीरो वन टू वन टू जीरो, तो आई इसकी उपसारणी वन टू टू जीरो माइनस जे जीरो वन टू जीरो और प्लस का के जीरो वन वन टू। क्लियर हो गया सबको, तो ये कितना हुआ अपने पास आई, यानी कि इसमें इसको गुणा करके घटाएंगे तो कितना प्राप्त हो गया, ये जीरो हो गया, ये माइनस का फोर और माइनस का जे माइनस का टू प्लस का के माइनस का वन। ठीक है, अब अच्छे से कर लेना इसको, समझा दिया मैंने एक बार, ये कितना हो गया माइनस का फोर आई प्लस का टू जे और माइनस का के, ये अपने पास क्या प्राप्त हुआ ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मान प्राप्त हो गया। अब इसका क्या निकालते हैं, मापांक निकालते हैं, इसी में रख देता हूं मैं एक बटा दो, मापांक कितना हो गया अपने पास एक बटा दो, तो ये है अपने पास त्रिभुज के क्षेत्रफल में इसका मापांक वो निकाल रहे हैं, माइनस चार का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, तो कितना हो गया एक बटा दो अंडर रूट सोलह प्लस चार प्लस एक, तो एक बटा दो ये कितना हो गया बीस और ए अंडर रूट इक्कीस वर्ग का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया अंडर रूट इक्कीस बटा दो वर्ग इक्कीस। क्लियर हो गया सबको, अब आपको पूछा है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो संलग्न भुजाएं दे रखी है, तो आपको क्या करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है, दो वेक्टर दे रखे हैं फिर उसका मापांक निकाल लेना है, वही क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा अपने पास। ये 10.4 के एग्जाम्पल का काम हो गया है, अपन नेक्स्ट वीडियो में 10.4 पढ़ेंगे। ओके।